फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉली और डॉली किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्पेशल टिफ़िन के लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी नाश्ता, जिसे आप सुबह की भाग दौड़ में बहुत इजीली बना सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये कच्चे आलू का नाश्ता है। इसमें आपको आलू बॉयल करने का भी झंझट नहीं है, मेहनत भी बहुत कम है और आप जब चाहें इसे बना के खा सकते हैं। एक बार आप इसे बना के रख दीजिए और 10 से 15 दिन के लिए आप फ्रिज में रखें। उसके बाद जब आपका मन करे इसे उठाएं और आप इसे तैयार कर लें, तो बहुत ही टेस्टी नाश्ता, आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस नाश्ते को। इसके लिए मैंने लिया है कच्चा आलू, 4 आलू लिए हैं, उसे मैंने इस तरह से ग्रेट कर दिया है। ग्रेट करके पानी में ही रखा है, इसका एक्स्ट्रा स्टार्च निकल जाएगा और ये काले भी नहीं पड़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। तो ये मैंने एक कढ़ाई को रख दिया है गैस पे और इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा तेल, कुकिंग ऑयल डाल देंगे और तेल को हम गर्म होने देंगे। फ्लेम मैंने हाई कर दी है ताकि तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाए। तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हींग। सबसे पहले हम हींग डालेंगे, इसके बाद डालेंगे थोड़ा सा सरसों के दाने। ये मैंने थोड़े से सरसों के दाने भी डाल दिए हैं। सरसों के दाने जो है थोड़ा सा चटकने दें क्योंकि इसको थोड़ा सा टाइम लगता है। उसके बाद हम बाकी के इंग्रेडिएंट डालेंगे। आप देख रहे हैं दाने हमारे चटकने लग गए हैं, तो अब इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा जीरा। ये हमने करीब आधा चम्मच जीरा डाल दिया है और ये है थोड़ा सा लहसुन और अदरक ग्रेट किया हुआ, इससे फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और ये जाएगी इसके अंदर हरी मिर्च, एक हरी मिर्च लिया मैंने। आप अपने फ्लेवर के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा रख सकते हैं। अब इसके अंदर थोड़ी सी हम डाल दें काली मिर्च और साथ ही हम डाल देंगे आलू। पानी ड्रेन कर देंगे और जो आलू हैं वो इसके अंदर डाल देंगे। थोड़ा सा हम इसे हिला लेते हैं। ये थोड़ा सा कड़ी पत्ता है मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, मैं भूल गई थी पहले डालना। आप इसे पहले घी में डाल लें, लेकिन अगर इसके साथ भी डालेंगे तो ये भुना जाएगा। थोड़ा सा आलू को फ्राई होने दें। आलू हमारे थोड़े से फ्राई हो चुके हैं, यहाँ पर हम डाल देंगे नमक। इसके अंदर एक चम्मच मैंने नमक डाला है, एक टीस्पून नमक है और थोड़ा सा चिल्ली फ्लेक्स। अब इसमें जाएगा पानी, ये मैंने एक बाउल भर के पानी का डाला है इसमें। पानी इसमें थोड़ा सा और मिक्स करेंगे, आधा बाउल मैंने और डाल दिया है, यानी मैंने डेढ़ बाउल पानी का डाला है। आलू जो है हमारे कुछ सॉफ्ट हो चुके हैं और यहाँ पे जाएगा चावल का आटा, आधा बाउल बाइंडिंग के लिए। और इस तरह से हम इसे हिलाते रहेंगे ताकि इसके अंदर लम्स ना पड़े। इस तरह से इसे हमने अच्छे से मिक्स करके एक डो की तरह ये हमारा तैयार हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं डो हमारा तैयार है, फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है। जितना चावल के आटे ने पानी को सोखना था सोख लिया है। थोड़ा सा इसे हम ठंडा कर लेते हैं हल्का सा। तो अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, मैंने लिया है एक स्टील की प्लेट, एक थाली ली है, इसके ऊपर मैंने तेल ग्रीस कर लिया है, यानी कुकिंग ऑयल को ग्रीस कर लिया है थाली को अच्छे से। और इसके अंदर हम डाल देंगे अपना जो हमने तैयार किया है नाश्ते के लिए। अभी गर्म ही है, ज़्यादा ठंडा नहीं करना क्योंकि ज़्यादा ठंडा करके फिर हम इसे शेप नहीं दे पाएंगे। थोड़ा सा गर्म गर्म को हम सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसे फैला देना है। ये मैंने एक स्पैचुला ले लिया है, स्पैचुला से ये अच्छे से सेट हो जाएगा। ये हमने गर्म गर्म को सेट कर दिया है, आप देख रहे हैं बिल्कुल प्लेन हो गया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये सेट हुआ हुआ। अब हमने करना क्या है, इसे रख देंगे, इसे पहले थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं बाहरी, और थोड़ा सा जब ये ठंडा हो जाएगा ना तो इसे हम फ्रिज में लगा देंगे 1-2 घंटे के लिए। इस टाइम मैं इसको बाहरी रख रही हूँ, थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर आ जाए फिर इसे फ्रिज में लगाती हूँ। आप देख सकते हैं अच्छी तरह से ये सेट हो चुका है, 1 घंटा हो गया इसे फ्रिज में रखे हुए। अब हम इसे कट कर लेते हैं, किसी भी तरह आप कट कर सकते हैं, कोई भी आप शेप ले सकते हैं। मैं इसको चौरस शेप में कट कर रही हूँ। इस तरह से हमने कट कर लिया है चौरस पीस के अंदर, इसको उतार के रख लेते हैं। अब ऐसे आप इसे फ्रिज में पड़े रहने दें तो 10 से 15 दिन तक फ्रिज में रख सकते हैं। जब आपका मन करे आप इसे बनाएं और खा लें।
मैं इसके बाद बना के आपको दिखाती हूँ। एक कढ़ाई के अंदर मैंने तेल रख दिया है गर्म करने के लिए। तेल जो है वो गर्म हो चुका है, उसके अंदर हम एक एक पीस करके डाल देंगे। ये हमारा नाश्ता जो है वो रेडी है। आप देख सकते हैं इसे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। एक बार आप इसे बना के रख लें, फिर आप जब चाहें सुबह नाश्ते में इसे फ्राई कर सकते हैं कट करके। तो इस तरह से ये हमारा नाश्ता जो है बनके तैयार हो जाता है। इसे सॉस के साथ आप टिफ़िन में, लंच बॉक्स में डाल सकते हैं बच्चों के। इसी तरह से हम बाकी भी फ्राई कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी ये नाश्ता हमारा बनके तैयार होता है। आप इसे सॉस के साथ स्कूल में सर्व कर सकते हैं। मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। इस तरह से बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही अच्छे ये बनके तैयार होते हैं। इस तरह से आप सॉस के साथ इसे खा सकते हैं, सर्व कर सकते हैं या टिफ़िन में डाल सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, बहुत ही पसंद आएगी। बच्चों को खास ये नाश्ता बहुत पसंद आने वाला है। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।